हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा एनर्जी बजट मेथड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, एनर्जी बजट मेथड, सबसे पहली बात, ये मेथड जो है हमारा यूज होता है किस लिए? लेक एवेपोरेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिख रखा है एनर्जी बजट मेथड में? एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लेक एवेपोरेशन। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो हमने पॉइंट लिख रखा है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं कि एनर्जी बजट मेथड है क्या। दोस्तों, एनर्जी बजट मेथड है क्या हमारा, कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोई मेरी लेक है। ये क्या है, मैंने मान लीजिए मेरी कोई लेक है और इसमें इतना पानी है। आप मान सकते हैं कोई लेक है या कोई रिजर्व है, कुछ भी है मतलब। ठीक, अब हुआ क्या है, जो इसमें हम देखने वाले हैं, इसमें कौन सी एनर्जी आने वाली है और कौन सी एनर्जी जाने वाली है। ठीक, तो हमने माना कि भाई जी, इसमें एक एनर्जी आ रही होगी, वो किसकी वजह से होगी? वो होगी हमारी सोलर रेडिएशन की वजह से, HC। ये HC कौन सी एनर्जी है दोस्तों? ये वो एनर्जी हमारे पानी में आ रही है किसके थ्रू? सोलर रेडिएशन की वजह से। ठीक, अब होगा क्या, ये कुछ एनर्जी तो पानी के अंदर जाएगी, कुछ पानी के बाहर जाएगी। तो हमने माना कि भाई सबसे पहले क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन भी देखने मिलेगा हमें इस एनर्जी का। तो जो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगा इस एनर्जी का, वो क्या होगा, हमने माना वो होने वाला है गामा HC। अब दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा गामा, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। ठीक, गामा HC। अब होगा क्या कि गामा HC तो रिफ्लेक्ट बैक हुई, लेकिन कुछ बैक रेडिएशन भी मिलेगी हमें पानी की वजह से, जब सोलर रेडिएशन क्या होगा, हमारे पानी से टकराएगी। जो बैक रेडिएशन है उसे क्या मान रहा हूँ मैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये हमारी बैक रेडिएशन, जिसे हमने माना क्या, HB। जिसे हमने क्या माना है, जिसे हमने माना है HB। ठीक, या कंफ्यूज मत होइएगा, HC क्या है, HB क्या है, गामा HC क्या है, ये सब चीजें मैं आगे लिख दूंगा। अभी पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं सारी चीज लिख भी दूंगा। अब होगा क्या, क्या बची कुची एनर्जी क्या होगी, वो पानी के अंदर आ जाएगी। ये क्या हुआ, ये बची कुची एनर्जी पानी के अंदर आ गई, जो कि हमारी क्या होगी, जो होगी हमारी HC माइनस गामा HC माइनस HB। HC माइनस गामा HC माइनस HB क्या होगी, ये वाली एनर्जी जो है ये हमारे पानी में आ जाएगी। अब ये एनर्जी हुई पानी में जो आई, अब बात करते हैं कि एनर्जी बाहर कहाँ कहाँ निकलेगी। तो कुछ एनर्जी जो होगी क्या करेगी, वो हमारे ग्राउंड होगा उसमें चली जाएगी सबसे पहले। तो जो एनर्जी हमारी ग्राउंड में जा रही है, उसे हमने क्या माना, उसे हमने माना HG। उससे वो एनर्जी जो क्या है, वो ग्राउंड में जा रही है। ठीक, अगला हमने माना भाई कि सीपेज भी हो रहा है। सीपेज मतलब कि यहाँ से पानी जो है इस बाउंड्री के थ्रू होता है, वो सॉइल में जा रहा है। ठीक, तो जो पानी सीपेज के थ्रू जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सीपेज वाटर। और जो एनर्जी उसके साथ जा रही होगी, हमने मान लिया वो क्या है, वो है हमारी HI। जो सीपेज के थ्रू एनर्जी जा रही है, वो क्या हुई, वो हुई हमारी HI। अब क्या होगा कि हमारा पानी है, तो उसमें एवेपोरेशन भी होगा सोलर की वजह से, सन की वजह से क्या होने वाला है, एवेपोरेशन भी आ रहा है। तो जो एनर्जी इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो रही होगी, उसे हमने क्या किया, उसे हमने कहा HE। ठीक, अब जब होता क्या है कि हमारा पानी किसी ओपन जगह में होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कुछ एनर्जी उसकी एयर में भी लॉस हो जाती है, हम कह सकते हैं कुछ एनर्जी एटमोसफेयर में भी लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी हमारी एटमोसफेयर, या हम कह सकते हैं एयर में लॉस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम HA। HA दोस्तों वो एनर्जी है जो हमारी क्या, एटमोसफेयर में लॉस हुआ उसका। ठीक, अब हो सकता है कि कुछ एनर्जी ऐसा हो जो पानी में स्टोर हो जाए, जिसकी वजह से पानी भी गर्म हो जाए हमारा। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर हो गई पानी में, और उसे मैंने क्या बोला, उसे मैं बोल रहा हूँ HS। उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला HS। अब इसमें क्या लगाने वाले हैं, अब इसमें हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन एक बात चीज समझ लीजिए आप, जो हमारे पानी में एनर्जी आई है वो कौन सी, सिर्फ ये वाली,
ये वो एनर्जी है जो हमारे पानी में आई है, एच सी माइनस गामा, एच सी माइनस एच वी, वो एनर्जी है जो हमारे पानी में आई है दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा गामा, ठीक, ये क्या है, ये है गामा, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। अब बात करते हैं पानी से एनर्जी बाहर कौन सी जा रही है, तो एक एच जी एनर्जी पानी से बाहर जा रही है, एक एच आई एनर्जी पानी से बाहर जा रही है, एक एच ई एनर्जी पानी से बाहर जा रही है, और एक एच ए एनर्जी जो पानी से बाहर जा रही है, ठीक। और बात करें पानी में स्टोर कौन सी रहने वाली है, एच एस एनर्जी हमारी वो है जो पानी में स्टोर रहेगी। अब बात करते हैं एच सी एच बी और गामा एच सी की, तो पहली बात एच सी एनर्जी पानी में पूरी नहीं आई तो ये हम लेंगे नहीं, और एच बी और गामा एच सी ये एनर्जी पानी में से थोड़ी ना बाहर निकली, ये तो सन की वजह से आई थी और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो हमारी ये अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ऐड नहीं होंगी, ठीक। तो पानी में जो एनर्जी आई है वो कौन सी, हमारी एच सी माइनस गामा एच सी माइनस एच बी। अब दोस्तों मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ एच एन, एच एन क्या है, एच एन हमारी वो एनर्जी जो पानी में आई है। मैंने यहाँ क्या किया, एच सी कॉमन लीड, तो क्या हो जाएगा एच सी वन माइनस गामा माइनस एच बी इक्वल टू एच एन, ठीक है। अब एच एन कौन सी एनर्जी जो पानी में आई है, हमने क्या लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एच एन इक्वल टू सबसे पहले हमारे पानी में कौन सी एनर्जी बाहर जा रही है, हमने माना भाई कि ग्राउंड में जा रही है, और कौन सी एनर्जी बाहर जा रही है, और एनर्जी जा रही है हमारी कहाँ, सीपेज के थ्रू, जिसे हमने एच आई माना, और हमारी एनर्जी कौन सी जा रही है बाहर, हमने देखा भाई एटमोसफेयर में भी एनर्जी जा रही है, एयर की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है जिसे हमने एच ए माना, प्लस हमने माना भाई इवेपोरेशन की वजह से भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम एच ई, उसे कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे हम एच ई। और साथ में हमने देखा कि कुछ एनर्जी हमारी पानी में अंदर स्टोर हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम एच एस। तो एच एन इज इक्वल टू एच जी प्लस एच आई प्लस एच ए प्लस एच ई प्लस एच एस, दोस्तों यही क्या है, यही है हमारी इक्वेशन किसकी, एनर्जी बचत मेथड की। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या हम इवेपोरेशन निकाल सकते हैं, इवेपोरेशन अब भी हम इवेपोरेशन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन से जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एनर्जी लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो सिर्फ इवेपोरेशन निकालना है। तो उसके लिए याद रखिएगा जो हमें एच ई का एक फॉर्मूला दे रखा होता है, जो कि होता है एच ई इक्वल टू रो एल ई, जिसमें दोस्तों रो क्या है, ये होता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, एल क्या है दोस्तों, ये एल है हमारा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, और दोस्तों यहाँ पे ई की बात करूँ तो ई क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा इवेपोरेशन इन एमएम, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच एन इक्वल टू एच जी प्लस एच आई प्लस एच ए प्लस रो एल ई प्लस एच एस कर देंगे दोस्तों, यही क्या, यही हमारी इक्वेशन है किसकी, एनर्जी बचत मेथड से लेक इवेपोरेशन निकालने की, जिसमें ई क्या है दोस्तों, ये इवेपोरेशन होने वाला है, जो हमें किसमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा एमएम में, और हम ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में एच एन एच जी एच आई एच ए और एच एस की वैल्यू, रो की वैल्यू और एल की वैल्यू दी हुई होगी, हमें क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को उधर ले जाके ई की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। अब जो हमने यहाँ पर टर्म यूज किए हैं मैं वो लिख दे रहा हूँ, और ये वाली साइड क्या कर रहा हूँ, मिटाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यू लिख दी है, एस सी क्या है हमारा सोलर रेडिएशन, गामा क्या है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एच बी क्या है हमारा बैक रेडिएशन, एच ए एनर्जी फ्रॉम वाटर टू एयर, एच जी है हमारा हीट टू द ग्राउंड, एच एस है हमारा हीट स्टोर्ड इन वाटर, एच आई हमारा क्या हीट लॉस ड्यू टू सीपेज, एच ई हमारा हीट एनर्जी यूज इन एवेपोरेशन, रो क्या है दोस्तों, रो है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, एल क्या है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, और ई क्या है, ये हमारा इवेपोरेशन इन एमएम, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, ये था हमारा एनर्जी बचत मेथड, जिसमें हमने क्या देखा, जिसकी इक्वेशन देखी हमने। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।